हम सैल्यूट करते हैं अपने उन शहीद जवानों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी, देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से, मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आए दिन आप देखते हैं किस कदर हमारे जवान, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, जो सरहदों पर खड़े हैं तभी हम अपने घरों में चैन और बेखबरी की नींद सोते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं यादों को, उन्हीं जो शहीदों को, उनकी यादगारों को ताज़ा करने के लिए कि किस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी, काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करवाए जाते हैं। हमारे साथ इसमें निर्वाह जो क्रिकेट टीम है उनकी तरफ से एक टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जो कि अर्पित होगा, समर्पित किया जा रहा है वो टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर यूटी के पुलिस के मार्टियर्स हैं, यानी उन शहीदों के नाम ये टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। वही टीम हमारे साथ समय जुड़ चुकी है, जानेंगे इनका नाम और जानेंगे कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है ये टूर्नामेंट। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। थैंक यू। माई सेल्फ सनी मोहन साधु जी। तो एक्चुअली ये हमारा सीजन 3 है नवरे क्रिकेट क्लब का जी। तो ये कल से हमारी ये टूर्नामेंट शुरू हो रही है और इस बार हमने दो आई बिलोंग टू ए मार्टियर फैमिली, तो इस बार हमने ये डेडिकेट किया है, समर्पित किया हमने, ये J&K पुलिस मार्टियर्स हैं जी। तो कल 28 अपना कंट्री क्रिकेट क्लब कल इसका इनॉग्रेशन हो रहा है कंट्री क्रिकेट क्लब अम्बग्रोटा में, और लाइकली एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम कि हमारे SSP साहब इसको इनॉग्रेट करेंगे। और ये एक वेटरन टूर्नामेंट है क्योंकि यूथ्स को लेके तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको प्रमोट कर रही है, तो ये हम वेटरन टूर्नामेंट रखे। और इससे हम कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहते हैं कि 35+ लोग खेल रहे हैं तो एक फिटनेस का भी बिल्कुल क्या रहता है। ये कौन लोग इसमें खेल रहे हैं, पुलिस के जो कर्मचारी ही खेल रहे हैं या सिविल लोग खेल रहे हैं? नहीं, इसमें क्या है कि इसमें तो वेटरन लोग कुछ हमारी बाहर से भी, आउट ऑफ J&K से भी कुछ टीमें आ रही हैं, पुलिस की कोई टीम नहीं। कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं? ये कोई 12 टीमें हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ राजेश कोल जी हैं, ये आपको समरी ऑफ द टूर्नामेंट, तो कब मतलब ये खत्म होगा, तो कैसे कैसे इवेंट्स होंगे, पर डे कितने मैच होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप इनसे ये सवाल लीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कार्य है कि कहीं ना कहीं हर दिन हमें याद करना चाहिए शहीदों को, पर इस तरह के टूर्नामेंट कहीं ना कहीं लोगों को फिर से यादें ताज़ा करवाता, वो कहीं ना कहीं हम लोग अगर भूल भी जाएं पर भूला नहीं जाता, पर कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट्स हमारे आने वाली पीढ़ियों को या हमारे समय जो युवा पीढ़ी है उनको कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि किस कदर हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। सर, सबसे पहले आपका भी स्वागत है। नमस्कार मैम, मेरा नाम रजनीश कौल है, मैं नवरे क्रिकेट क्लब का एक मेंबर हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन हमने 2019 में शुरू की थी, जिसके अंडर हमने ये देखा कि हमारा यूथ आज के, पहले तो हम देख रहे थे यूथ डाइवर्ट हो रहा है किसी और मतलब तरीके से, अपनी अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की तरफ से कम ध्यान दे रहा है। तो एक फिजिकल फिटनेस के तौर पे भी, प्लस एक वेटरन टीम्स हमने और इसमें इन्वॉल्व की, जिसमें हमने एक मैसेज पास किया पिछले 2 सीजन्स में कि ये पहला सीजन जो हमारा था वो था नशा मुक्त जम्मू के लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। अब ये हमारा इस बार का 3rd सीज़न है जो कि कल से शुरू हो रहा है 20 मार्च से। इसमें हमने ये इस बार का जो सीज़न है ये हमने समर्पित किया है हमारे शहीद जम्मू मार्टियर्स को। तो इसमें हमने क्या किया मैडम कि हम लोग इसमें टोटल 12 टीमें होंगी, 12 टीमों का हमने 3 डिफरेंट पूल्स में डिवाइड किया, जिसके अंदर हमारी वेटरन सारी टीमें हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग खेल रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं आप, इसमें हमारे पास एक एंटी करप्शन ब्यूरो की भी एक टीम है जो कि हमारे साथ खेल रही है, वो भी वेटरन्स हैं, उसमें से कुछ श्रीनगर के प्लेयर्स हैं, जम्मू के प्लेयर्स हैं, मतलब ऑल अक्रॉस हमने इसमें ओपनिंग रखी है जो खेल सकता है। इसका प्लेटफॉर्म मैडम जो है, जिसको हम किस तरीके से चलेगा, ये हम बेसिकली सैटरडे और संडेज़ को कराते हैं टूर्नामेंट, और इसमें हमने 3 पूल्स में डिवाइड कर रखा है टीम्स को, जिसमें हर एक पूल में 4-4 टीमें रहेंगी जो कि 3-3 लीग मैचेस खेलेंगी। उसके बाद उस पूल में से, लीग मैचेस में से 6 टीमें बाहर आएंगी जो कि 3 क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, जिसमें से कि 4 विनिंग टीम्स जो हैं जो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होंगी। उसके बाद 2 सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे, उसके अलावा देन फाइनल जो जीतती है टीम और रनर अप टीम जो रहेगी उसके लिए हमने कैश रिवॉर्ड भी रखा है। विनिंग टीम के लिए हमने 25,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड रखा है, प्लस ट्रॉफी रखी है। इसके अंदर हमने मैडम रनर अप टीम के लिए 15,000 रुपये का कैश प्राइज रखा है, प्लस
ट्रॉफी रखी है। उसके अलावा हर एक मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा हर एक प्लेयर को, जो कि मैन ऑफ द मैच उभर के आएगा इसमें। उसके अलावा हमने मैन ऑफ द सीरीज़ का रखा है इसमें, प्लेयर ऑफ द बेस्ट। कितने दिन टूर्नामेंट ये मैडम टोटल चलेगी हमारी, कोई इसमें 24 मैचेस होंगे ये, अगर हम देखेंगे तो टोटल 12 डेज ये टूर्नामेंट चलेगी। लेकिन ये शुरू होगी अपनी 20 मार्च से, लेकिन ख़त्म होगी ये मई महीने में, क्योंकि हम लोग सैटरडे और संडे प्लेटफॉर्म पे ही खिला, क्योंकि इसमें सारे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्लस लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सैटरडे संडे को ही ऑफ होता है, लेकिन खेलने का शौक़ है, सारे वेटरन हैं, उसी लिए हमने ये उनकी सुविधा के हिसाब से हमने सैटरडे संडे को ही रखा है। अभी टीम्स फाइनलाइज कर दी हैं या अभी करनी है, या जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं अगर उनमें से भी कोई पार्टिसिपेशन करना चाहता है? मैडम इसमें फाइनलाइज हो गई है, पिछले 2 महीने से हम इस पर वर्किंग कर रहे थे, जिसमें कि हमने हमारे को अप्रोच कम से कम 18 टीमों ने किया था, लेकिन फाइनली हम फिक्स कर पाए 12 टीमों को। 12 टीमों के प्लेटफॉर्म को हमने इसमें उतारा है, जो ऑलरेडी आ चुकी हैं उनका फिक्स्चर बन चुका है, उन लोगों को ऑटोमेटिकली उनके गेम प्लान्स दे दिए गए हैं, कब कब किस किस का मैच है, वो सारी चीज़ें मैडम फाइनल हो चुकी हैं जी। धन्यवाद। दोस्तों ये बताया हमने कि जो क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा कल, जिसकी इनॉग्रेशन होगी, और साथ ही साथ ये उन शहीद जवानों को, जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवानों, उनको समर्पित है ये टूर्नामेंट, और कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि आखिर किस तरह से हमारे जवान जब सरहदों पर खड़े हैं हमारी जनता के लिए, हमारे देश के लिए, या अपने प्राणों की जिन्होंने आहूति दे दी बिना संकोच किए, और तभी हम अपने घरों में अगर वो सरहदों पर खड़े हैं, सीना ताने खड़े हैं, तो तभी हम अपने घरों में चैन की नींद और बेखबरी की नींद सोते हैं। हम दिल से सल्यूट करते हैं जितने भी हमारे शहीद जवान हैं, और साथ ही उन जवानों को भी जो इस समय सरहदों पर खड़े हैं, आतंकवाद का सामना बड़ी बहादुरी से कर रहे हैं, तभी हम बेफिक्री की नींद सोते हैं। अपने इस वीडियो में अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ज़रूर ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास करके कोई दिन त्यौहार होता या दिन होता, स्पेशली हम उन दिन क्यों शहीदों को याद करें, हर दिन क्यों ना उन शहीद जवानों को याद करें जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।